अपने लिए चाय बना रहा था, उंगली जल गई। देखो कितनी बार कहा है डिपार्टमेंट आपका नहीं है, यहाँ आप आया मत कीजिए। इतनी वार्निंग दे चुकी हूँ लेकिन आप भी। अरे चंदू दो घंटे से मार्केट गया हुआ, तुम पता नहीं कहाँ थी। पूजा सो रही होगी, मुझे पीनी थी चाय, ऐसे में मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन वकील अपनी वकालत नहीं। वकील साहब भौजी ठीक कहती है, वकालत भी क्रिकेट की तरह बहुत बुरा नशा है। पहले तू बोल, तू दो घंटे से कहा था, कहीं रास्ते में क्रिकेट तो नहीं खेल रहा था? ऐसी नहीं, असली क्रिकेट तो आज सब्जी मार्केट में हो रहा था। प्याज और आलू ऐसे चौके ऐसे छक्के मार रहे थे कि पूछे मत। अजी 5-10 में आउट होने वाले इन दोनों ने हाफ सेंचुरी क्रॉस कर ली। एक का दाम 55, दूसरे का 60 रुपए। अब आगे हम क्या बोले? अब बोलेंगे तो बोलिया के बहुत बोलता है, इसलिए हम बोलते नहीं। सुना? ये कोई नहीं सुनता। चंदू टीवी क्यों बंद कर दिया? ओ भाभी तुम। भाभी मेरी एक बात मानोगी? बोलो। चलो मिलकर आधा घंटा और सो जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये वही बदतमीजी है जो भैया करते होंगे। यही तो रोना है बेबी, तेरे भैया को कोर्ट के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ठीक है हम फुर्सत निकाल लेते हैं, एक और चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी से रेडी हो जा, मैं बाहर नाश्ता लगाती हूँ। आई लव यू भाभी। लव यू टू। ये रहा सिली पॉइंट, ये शॉट लेग ऑफ फॉरवर्ड, शॉट लेग शॉट इट ऑन। विकेट कीपर भी रेडी है, बैट्समैन की कमी है। आगे अगर शाम को कहीं जाना हो तो मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि कोर्ट में आज शायद देर हो जाएगी। ओके। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग पूजा, मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हूँ, अगर तुम्हें देर लगेगी तो तुम रिक्शा लेकर कॉलेज चले जाना। नहीं, मैं रेडी हूँ, चलिए। तो फिर चलो जल्दी, बाय निशा। बाय भाभी। अरे सुनो कमाल, दोनों बैट्समैन पिच पर डटे ही नहीं और रन आउट हो गए। अब आगे का बोले? हम बोलेंगे तो बोलिया कि बहुत बोलता है। शट अप। मिस्टर मल्होत्रा, वकालत कभी सेवा का काम था, लोगों को इंसाफ दिलाना, कानून की मदद करना, लेकिन मैं समझता हूँ आजकल ये एक पेशा सा बनकर रह गया है। ये शब्द बहुत खराब है। जब हम कहते कि वो औरत पेशा करती है, इसका मतलब वो अपनी इज्जत बेचती है। हम लोग भी तो कानून और इंसाफ की इज्जत ही बेचते हैं। लेकिन इस तरह क्या आप कानून, इंसानियत और इंसाफ के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? श्रीमान रस्तोगी साहब, अगर तवाए पे बेवफा नहीं होगी तो कोठे पर रौनक भी नहीं होगी। नहीं शर्मा जी, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अब अपने अरुण देव को ही देख लीजिए ना, वो हम सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन कभी झूठ को सच नहीं कहते। अगर कहते तो उनकी हालत और भी ज्यादा अच्छी होती। भाई किस मामले में मेरी हालत और अच्छी हो जाती है? पैसों के मामले में। और इसके अलावा नाम और शोहरत भी ज्यादा मिलती। अगर महीने में आप 2 बार चीफ गेस्ट बनते हैं तो 4 बार चीफ गेस्ट बनते और फीते भी काटते। भाई ये फीता काटने के लालच में अगर हम इंसाफ का गला काटने लगे तो कानून इसकी तरह बेचारा हो जाएगा और मुजरिम बाइज्जत रिहा होते रहेंगे, और एक दिन बढ़ते बढ़ते उनकी हिम्मत आसमान को छू लेगी, फिर जमीन पर रहने वाला कोई आदमी सेफ नहीं रह पाएगा। हमारे लेन में तो हर तरफ से रिस्क है, हो सकता है आपने जिसको सजा दिलाई हो वही एक दिन केस से छूटने के बाद आपका जीना आराम कर दे। ये रिस्क उठाने के लिए तो हम उसी दिन तैयार हो जाते हैं जिस दिन ये काला गाउन पहनते हैं। फिर भी अरुण देव जी, दिमाग में टेंशन तो रहती है ना? कोई टेंशन नहीं भाई, अगर मुजरिम के पास इंतकाम की तलवार होगी तो हम लोग कौन सा खाली हाथ होंगे? हमारे पास भी तो कानून की ढाल होगी जिसे हम तलवार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुझे कभी चिंता नहीं होती कि जिस मुजरिम को मैंने सजा दिलवाई हो वो किस दिन जेल से आजाद होगा। जब आजाद होना हो जाए, नो टेंशन।
अरे सुन इधर आ। अबे ये सब लेके किधर जा रहा है? इधर आ। ये उन साहब का है। यहाँ साहब सिर्फ आपुन है, बाकी सब छुट्टा पैसा है क्या?